खबर बड़वाह से। राम बलवाड़ा के समीप रेलवे फाटक पर एक आयश वाहन और स्कूटी की जोरदार आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 5 माह की एक बच्ची ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्ची के पिता की मौत इंदौर रेफर के दौरान रास्ते में हो गई। शहर के जयमलपुरा निवासी विजय, पिता छोटेलाल एवं उनकी पत्नी निकिता वर्मा, अपनी 2 बेटी नायरा 3 वर्ष और चेरी 5 माह के साथ महू से वापस अपने घर बडवाह लौट रहे थे, तभी बलवाड़ा के निकट उनकी वाहन दुर्घटना हो गई, जिसके बाद घायलों को सिविल हॉस्पिटल बडवाह लाया गया, जहां स्ट्रेचर के अभाव में घायल काफी देर तड़पते रहे, जिसके बाद हॉस्पिटल में परिजनों की चीख पुकार गूंजने लगी। इस दौरान विजय का प्राथमिक उपचार कर इंदौर रेफर किया गया, लेकिन विजय की रास्ते में ही मौत हो गई। बताएं, आप एक्सीडेंट केस में आप अपने परिवारिक को लेके आए, जो गंभीर अवस्था में यहाँ पे लाए हैं, यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था और किस प्रकार की कमी लगी आपको? अरे सर, यहाँ तो एक तो स्ट्रेचर ही नहीं, मरीजों को एक एक करके अंदर लेके जा रहे हैं, इतने देर में कोई मर जाए तो मर जाए, उसको लेके जा रहे हैं, फिर उतार रहे हैं, फिर दूसरों को ले रहे हैं गाड़ी में से, हाँ, और पलंग का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसे में तो आदमी सीरियस आदमी की तो जानी चली जाए यहाँ। फिर क्या कहना चाहेंगे? क्या है, यहाँ कुछ सुविधा नहीं हॉस्पिटल में यार साहब, परेशान हो रहे हैं लोग। क्या नाम आपका? नीरज वर्मा। सर बताएं, बलवाड़ा में एक घटना हुई है, भीषण दुर्घटना, जिसमें किस प्रकार का नुकसान हुआ और क्या अभी क्या हालात है? ये बलवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग के आगे की घटना है। आयसर क्रमांक MP09GE6152 का चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर स्कूटी के चालक को टक्कर मार दी। स्कूटी में सवार चालक उसकी पत्नी निकिता और लड़की नायरा और छोटी लड़की चेरी घायल हुए, चेरी की मौके पर मौत हो गई। खबर भारत वर्ष के लिए बडवाह से सागर जाट की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।